बच्चों हम आइए क्लास 7 का लेसन 12 का एक्टिविटी करते हैं। और जिन्होंने अभी तक लेसन 1 से लेके 11 तक और लेसन 12 का फर्स्ट यूनिट नहीं देखा है, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे चैप्टर्स और एक्टिविटीज़ मिल जाएंगे। प्लीज़ वहाँ से आप देख लीजिएगा और अपने आसपास के बच्चों को भी बोलिएगा देखने के लिए, ताकि उन्हें भी पढ़ाई मिल जाए। अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, तो आइए एक्टिविटी 1 करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव को हमें चुनना है। फर्स्ट देखिए ए नंबर, एनी फ्रैंक्स बर्थडे वॉज ऑन, किस दिन था एनी फ्रैंक का बर्थडे? ऑन 12th June। तो इसका आंसर 12th June को हम लोग टिक करेंगे। नंबर बी देखिए, मूर्ति जी इज एनिस क्या था? पेट कैट। मूर्ति जी क्या था? पेट कैट था एनी का, तो पेट कैट में हम लोग टिक करेंगे। और नंबर सी देखिए, ड्यूरिंग रिसेस द स्कूल, इन द स्कूल एनी ट्रीटेड एवरी वन विथ क्या? स्वीट और बिस्किट बांटी थी तो वो टिफिन के समय अपने बर्थडे को, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? स्वीट एंड बिस्किट। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक्टिविटी 2 कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आंसर लिखने के लिए बोला गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो बुक में तो इसे लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने कॉपी में लिख रखा है इसे, तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आइए समझाती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, व्हाट डिड एनी डू व्हेन शी कुड नो लॉन्गर कंट्रोल हर क्यूरियोसिटी। एनी ने क्या किया जब वो अपने जानने की इच्छा को बहुत देर तक ना संभाल सकी, उस पर काबू ना पा सकी? तो आंसर क्या होगा, शी वेंट टू द डाइनिंग रूम। वो कहाँ चली गई? डाइनिंग रूम में चली गई। नंबर बी देखिए, विच प्रेजेंट डिड एनी सी फर्स्ट, वाई कौन सा प्रेजेंट उपहार उसने पहले देखा? वाई डज शी रेफर टू इट एज अ हु, किसने उसने किसे संबोधित किया हु कह के? तो एनी, आंसर देखिए, एनी शो हर डायरी फर्स्ट, उसने अपने डायरी को पहले देखा, बिकॉज एनी थॉट हर डायरी एज हर फ्रेंड, उसने क्योंकि एनी सोचती है कि डायरी ही उसका फ्रेंड है। नंबर सी क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टेल्स एंड लेजेंड्स ऑफ नीदरलैंड्स। कौन था टेल्स एंड लेजेंड्स ऑफ नीदरलैंड बुक का राइटर? तो जोसेफ कोहेन इज द ऑथर ऑफ द बुक। कौन थे? जोसेफ कोहेन। नंबर डी देखिए, व्हाट डिड एनी वेंट टू डू विद द मनी दैट शी गॉट एज बर्थडे गिफ्ट। उस रुपए को क्या करती है एनी जो उसे बर्थडे गिफ्ट में मिला था, तो क्या करना चाहती है वो? तो आंसर क्या होगा, एनी वांटेड टू बाय मिथ्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। बच्चों यहाँ पे बाय छूट गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज। अब देखिए एक्टिविटी नंबर हमारा क्या है, 3। एक्टिविटी 3 को क्या करना है हमें, अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पेपर सीक्वेंस में, मतलब घटनाक्रम के अनुसार इसे सजाना है, कौन सा घटना पहले घटित हुआ। तो डी नंबर जो है, एनी वेक अप, पहले तो वो उठती है। नंबर ए देखिए, वो होगा नंबर 2, एनी वेंट टू द डाइनिंग रूम, वो जब कंट्रोल नहीं कर पाती है अपनी जानने की इच्छा को तो डाइनिंग रूम में चली जाती है ना। नंबर 3 कौन सा होगा, ई जो है वो नंबर 3 होगा, एनी वेंट टू हर मम्मी एंड डैडी, अपने मम्मी और डैडी के पास चली जाती है। नंबर 4 जो है सी होगा, वो कौन सा है, एनी वेंट टू द सिटिंग रूम, बैठक घर में चली जाती है जहाँ बैठने का स्थान होता है घर में। नंबर बी जो है वो नंबर 5 होगा, एनी वेंट टू द स्कूल विथ हर फ्रेंड। इस तरह से बच्चों ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपने घर के आसपास के बच्चों को भी बताइएगा कि इस चैनल पे ये सारे वीडियोस आते हैं, और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।